खबर चंपावत जनपद से, जहां टनकपुर रोडवेज में कार्यरत कर्मचारियों ने आज उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ के बैनर तले टनकपुर रोडवेज सहायक महाप्रबंधक कार्यालय पर अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया और नारेबाजी की। रोडवेज कर्मियों का कहना था कि जब तक उनकी दो सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता वह आंदोलन करते रहेंगे। उनकी मांग है कि सरकार जो निजीकरण की नीति ला रही है उसका वह विरोध करते हैं। रोडवेज में प्राइवेट बसों की जगह सरकारी बसों को लाया जाए, साथ ही रोडवेज में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को पूर्णकालीन किया जाए और बराबर का वेतन और सम्मान दिया जाए। मजदूर संघ के अधिकारियों ने टनकपुर रोडवेज वर्कशॉप के सहायक महाप्रबंधक को ज्ञापन दे अपनी मांगों के बारे में सूचित किया एवं उन्हें पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में भविष्य में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। फॉरवर्ड कर देंगे और हमें उम्मीद है आप लोग जो है अपने जो जो घंटे का एक ज्ञापन दिया कार्य बहिष्कार किया है अपने अपने काम पे लौटिए, जिससे विभाग को भी इनकम आए, आमदनी बढ़े। और आज से हमारा जो है काला महीना खत्म हो गया था, कल से आज से शुरू हो रहा है, तो ज्यादा यात्री निकल रहे हैं, तो आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रतिभाग करें। की प्रांतीय आह्वान पर हमने ये कार्यक्रम किया। प्रथम चरण में हमने सहायक महाप्रबंधक जी को ज्ञापन दिया है, अगर इसमें अगर निगम प्रबंधन फिर भी नहीं जीता तो हम 17 फरवरी को जो है मंडली प्रबंधक महोदय को ज्ञापन देंगे। उसमें भी अगर निगम प्रबंधन नहीं हुआ तो हम सीधे जो है सचिवालय कूच और मुख्यालय प्रदर्शन करेंगे। आज का दो सूत्री मांग है। पहला मुद्दा हमारा है जो निगम प्रबंधन निगम को बेचने की जो साजिश रच रही है, प्राइवेट गाड़ियां जो ला रही हैं, इनका हम विरोध कर रहे हैं। हमें निगम की बसें चाहिए, निगम के चालक चाहिए, निगम के परिचालक चाहिए। पहला मुद्दा तो हमारा ये है। और दूसरा मुद्दा, जो हमारे भाई लोग पिछले 15-16-17 वर्षों से संविदा विशिष्ट श्रेणी के नाम से यहाँ पे रखे गए हैं, जिनको कि मात्र 9,000-10,000 वेतन दिया जाता है, उनको नियमित किया जाए और उनको पूरा सम्मान दिया जाए। और जो हमारे मित्र आश्रित भाइयों को एजेंसी के द्वारा लिया जा रहा है, उनको डायरेक्ट निगम के द्वारा भर्ती किया जाए। ये हमारी आज की मुख्य मांग।